প্রিয় দর্শক, আজি আমার চ্যানেলত আজাদিকা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে যোরহাটের পর দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করা এটি সাইকেল রেলির ভিডিও আপনাদের আগবহাম। আর সবিশেষ ইয়ারপর আপনাদের জানিব পারিব কিয় এই সাইকেল রেলি করা হয়েছে। ইয়ার বাবে মই মাইক্রোফোনটো আগবহাই দিছো মোর সতীর্থ প্রশান্ত বৰুৱালৈ। যোরহাটের দিল্লি অভিমুখে যেটা দল সাইকেল রেলি করে আহিছে সেই দলটো খন্তেক সময় পিছতে আহি নগাঁও জেলার অন্তর্গত দবকা NRI পাবলিক স্কুলত উপস্থিত হবহি। ইয়াতে দেখা পাইছো যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক, অগণন লোক ইয়াতে উপস্থিত হয়েছে তেখেতসকলক শুভেচ্ছা জানাবর কারণে। আর এটি নৃত্যর দলও ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকলক সম্বর্ধনা জানাবর কারণে। এই যাত্রাত আমি যেটো দলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিলো সেই দলটোৰ লগত বিশেষকৈ নেতৃত্ব দি আহিছে DIG স্যার, বিশেষকৈ HS রাওয়াত স্যার। আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছো। আহক, এই যাত্রাৰ উদ্দেশ্যৰ লক্ষ্য কি সেই বিষয়ে তেখেতৰ পৰা জানো। স্যার, আপকল হম জাননা চাহতে হে কি এই যে সাইকেল রেলি হো রহা হে যোরহাট সে দিল্লি তক হো রহে হে, ইসকা মিশন ভিশন কিয়া হে? जैसा कि आपको पता ही है, इस साल हमारे 75 इयर्स हो रहे हैं इंडिपेंडेंस के। 75 इयर्स का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है और उसके तहत ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो भारत सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, उसके तहत फिट इंडिया प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो हमारे को CRP को बताया गया कि साइकिल रैली के लिए, जो साइकिल रैली हमारी ये शुरू हुई है जोरहाट से 31 तारीख को शुरू हुई है, 31 अगस्त को, और ये अभी सारूपथा रुकी थी 31 की रात को, 1 तारीख को मांझा में, और आज दुबोको में रुकेगी ये। उसके बाद आगे जागी रोड होते हुए गुवाहाटी जाएगी, फिर गुवाहाटी दूसरी टीम इसको लेके सिलीगुड़ी जाएगी। इस प्रकार से ये यात्रा 2 अक्टूबर को पहुंचेगी राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि पे श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। इसका उद्देश्य ये है कि देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति भावना लोगों के बीच में जगाना, और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको ये संदेश देना कि भाई जो हमारी आज़ादी आई वो बड़ी आसानी से नहीं आई, इसके लिए बहुत सारी कुर्बानी लोगों ने दी हैं करके। कई लोगों ने अपना पूरा जीवन इस पर लगा दिया और कई लोग जेलों में सड़ गए, कई फांसी के फंदे पे चढ़े। तो ये यात्रा जो है साइकिल रैली सभी स्थानों से गुजरेगी, सभी मोन्यूमेंट्स जो शहीदों के स्मारक हैं उनके गाँव ये शहर वहाँ पर सबको श्रद्धांजलि देते हुए नमन करते हुए मुख्य मुख्य स्थानों पे तब आगे प्रस्थान करेगी। तो अभी जो यात्रा हो रहे हैं इसके लिए खाना पीना रहना सहना ये जो बंदोबस्त है ये कैसे होता है? ये सब जगह जगह हमारी यूनिट्स हैं, जैसे यहाँ पर अभी हमारा कार्बी लॉन्ग में कल मांझा में 20 बटालियन CRPF है, उसने पूरा बंदोबस्त किया था। अभी यहाँ पे कमांडेंट साहब में 34 बटालियन यहाँ नौगांव में है, ये सारा बंदोबस्त करेंगे। उसके बाद गुवाहाटी में हमारा ग्रुप सेंटर है। इस तरह से रास्ते पर जैसे पता है ये CRP का डिप्लॉयमेंट आसाम में जगह जगह पर है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर सिस्टर फोर्स हैं यानी कि, तो और पुलिस है वहाँ पर इनका इंतजाम किया जाता है करके। और हमारे देश के जनता जो पब्लिक है, पब्लिक की तरफ से आप लोगों को कैसा सहायता मिलता है? पब्लिक से तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जगह जगह रिसेप्शन हो रहा है, लोग अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, ढोल नगाड़े के साथ और नृत्यों के साथ स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और यही गमछा दे रहे हैं। तो यही मतलब जो इतना उत्साह बढ़ा रहे हैं लोगों का कि उनकी थकावट दूर हो जाती है, तो ये